A rigid square loop of side A and carrying current I2 is laying on a horizontal surface near a long current I1 wire in the same plane as shown in the figure. The net force on the loop due to the wire will be. Okay. तो आपको इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला का यूज करना हो, क्या है फार्मूला? फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, वेर डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर, एल इज अ लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। एंड अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो याद रखो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो देखा जाए, I1 तो आपका फिक्स इधर लेफ्ट वाला, ये लूप के ऊपर उसने फोर्स पूछा है। तो देखो यहाँ पर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, लेट से ये आपका पार्ट वन है, ये वाला पार्ट आपका टू है, क्योंकि ये जो हॉरिजेंटल वाले पार्ट है उसके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं, राइट? ओके, तो ये बचा कौन पार्ट, ये पार्ट नंबर वन एंड पार्ट नंबर टू बचा। पार्ट नंबर वन के लिए जो फोर्स आएगा, फोर्स कैसे आएगा, देखो देखो I1 करंट ऐसे जा रहा है, I2 करंट ऐसे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिपल्शन होगा। तो पार्ट नंबर वन के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, एंड पार्ट नंबर टू के ऊपर देखा जाए तो फोर्स इधर लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू I1। तो F1 का वैल्यू क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, ये पार्ट वन का लेंथ कितना दिया उसने, ए, तो F1 बाय ए इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। डी कितना है, I1 एंड ए वायर के बीच का डिस्टेंस ए, तो हालांकि राइट, बाद में F2 पर यूनिट लेंथ देखा जाए क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। डी कितना है देखो, ये डिस्टेंस मतलब क्या आएगा, 2 पाई इंटू 2 ए आ जाएगा। तो ये आपके पास फोर्स आ गए दोनों, दोनों का डायरेक्शन भी आ गया, तो नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकाले हम लोग, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर आएगा। अच्छा, F1 वेक्टर कितना दिया है देखो, यहाँ पर देखो ये ए ए तो कैंसिल होने वाला, ये भी ए ए कैंसिल होगा, तो F1 वेक्टर का वैल्यू है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, किस डायरेक्शन में, I कैप में। एंड F2 का देखा जाए तो म्यू वन I1 I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, किस डायरेक्शन में, माइनस I कैप में। चलो इसमें से कॉमन लेते हैं म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई को, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, -1/2, और ये आई कैप भी बाहर आ गया, तो 1 -1/2 कितना बचा, 1/2, तो ये आएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई आई कैप। तो नेट फोर्स क्या है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई कैप। तो ये आपका देखो यहाँ पर ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जिसमें से करंट I1 जा रहा था, और ये जो लूप है यहाँ पर, इस लूप के ऊपर जो फोर्स लगा वो आई कैप में इधर लग रहा है, ये नेट फोर्स। इसका मीनिंग क्या है, दूर जा रहा है तो रिपल्सिव फोर्स है, तो दिस फोर्स इज रिपल्सिव एंड इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन।